आज हम से शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा सॉरी, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर। अच्छा बताइए, स्पोर्स किस डिवीजन से बनेंगे, माइटोसिस या मियोसिस? सिंपल, क्योंकि आप अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चल रहे हैं। यूनिपेरेंटल बाईपेरेंटल, सेम कैरेक्टर या थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर? सेम कैरेक्टर, अगर डिफरेंट है तो 1-2% डिफरेंट हो सकते हैं और उसकी वजह डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म में एरर है। तो इसमें हमारे पास फंगस है, राइजोपस। ये फंगस है, फंगस की जो बॉडी होती है ये इस तरह से, जो भी बॉडी होती है इसको हम बोलते हैं माइसीली। तो एक है तो माइसीलियम बोलते हैं, और इस पर इस तरह से हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होते हैं। तो ये हो गए हमारे पास स्पोर्स। ये हैं स्पोर्स। ये स्पोर क्या होते हैं? माइटोटिक डिवीजन से बनने वाली माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव बॉडीज, ठीक है। और ये स्पोरेंजिया जिसके ऊपर होती है उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। तो हमारे पास हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स जनरली राइजोपस में मिलते हैं, तो हमने एक फंगस ले लिया जिसका नाम है राइजोपस, और इसके ऊपर इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये होते हैं स्पोर्स। स्पोर होते हैं माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव बॉडीज जो कि माइटोटिक डिवीजन से बनती है, और ये जिस स्ट्रक्चर में होते हैं उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया जिससे अटैच होती है उसको बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। तो यहां पर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। स्पोर जो होते हैं इनके ऊपर थिक कोट होता है इस तरह से, और जैसे ही फेवरेबल ये क्या करता है, स्पोरेंजिया जो होती है फट जाती है, तो इसमें से स्पोर निकल करके फैल जाते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, जब तक फेवरेबल नहीं है तब तक ही पड़े रहेंगे। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, पानी वानी टेम्परेचर सही आ जाएगा, ये नया राइजोपस बनाना शुरू कर देंगे। सिर्फ इतना ही है। तो सिर्फ आप डायग्राम बना लीजिए, बाकी मैं एक बार पढ़ देता हूं तो सबको समझ आ जाएगा। ये स्पोरेंजियोस्पोर है, माइसिली की जगह हाइफी लिख देना, हाइफी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या है एनसीईआरटी में, एक बार मैं पढ़ देता हूं, आपकी स्क्रीन पर है, एक बार आप देख सकते हैं, शेयर कर दिया है। स्पोर्स आर द माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। तो यहां पे एक वर्ड और लिख देते हैं, एसेक्सुअल। स्पोर्स क्या है? माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, ठीक है। विच आर कवर्ड बाई ए हार्ड प्रोटेक्टिव कोट। स्पोर्स फाउंड कॉमनली इन फंगस एंड बैक्टीरिया। तो किसमें बनते हैं स्पोर्स? फंगस में, जो जैसे हमारे पास राइजोपस है, एंड बैक्टीरिया, ठीक है साहब। स्पोर्स फॉर्मेशन अकर्स इन द स्ट्रक्चर नोन एज स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम, ठीक है। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एनवायरमेंट में, जमीन पे पड़ जाते हैं लास्ट में, हाँ फेवरेबल में आगे, तभी तो थिक कोट है, वरना थिक कोट क्यों देती नेचर इनको, सर्वाइव करने के लिए। ओके, तो इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और हैं, तो मैं एक एक करके क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप देखना उसका जवाब क्या हो सकता है। पहला, व्हाई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो स्लाइट वेरिएशन ड्यू टू एरर इन डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफिलम, जो पत्थर चट्टा था याद है आपको, इसकी मार्जिनल एंड्स पे क्या बन जाती हैं? बर्ड्स बन जाती हैं, बताया था मैंने, मार्जिन्स पे बनती हैं। तो इसके बारे में है कि बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नोचेस अलोंग द लीफ मार्जिन। ये जो नोच, यहाँ पे थोड़े थोड़े नोचेस मतलब हल्के हल्के गड्ढे होते हैं मार्जिन पर, इस तरह से गड्ढे होते हैं, इन गड्ढों में ही क्या बन जाती है हमारे पास? बर्ड्स बन जाती है लीफ के मार्जिन पर, ठीक है। ब्रायोफिलम एंड फॉल ऑन द सॉइल, और जब
और ये फिर बाद में यहां से बर्ड टूट करके जमीन पे गिर जाती है, फिर उससे वो उगता रहता है। चलिए पहला, इसमें एक क्वेश्चन और है, वाई आर वेरिएशंस बेनिफिशियल टू द स्पीशीज। स्पीशीज में जो वेरिएशन आते हैं वो उसके फायदे के लिए क्यों है, उससे उसको क्या फायदा मिलता है। बिल्कुल, देखो मैं आपको बता देता हूं, एक बहुत ही बड़ा आदमी था, उसने एक लाइन बोली थी, उसने ये लाइन बोल दी थी, द चेंज इज द अनचेंजेबल रूल ऑफ चेंजेबल नेचर। चेंज इज द अनचेंजेबल रूल ऑफ चेंजेबल नेचर। जिस बड़े आदमी ने ये बात बोली थी वो आपके सामने खड़ा है, ठीक है, यानी कि इस चेंजेबल नेचर का सबसे बड़ा रूल है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो है चेंज। ठीक है, तो एनवायरमेंट आज से बहुत पहले कुछ और था, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, उसी हिसाब से इस अर्थ पर सरवाइव करने वाली जो जिंदगियां हैं, जो लाइफ स्टॉक्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें भी चेंज हुए हैं। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, याद कीजिए, सपोज कीजिए एक जगह है, या यूं कहो कि डायनासोर मर गए, क्योंकि डायनासोर एकदम से अर्थ का टेम्परेचर जब बढ़ा तो उस टेम्परेचर पे वो सह नहीं पाए। सपोज करो कि वहां पर 100 डायनासोर थे, जस्ट एक हाइपोथेटिकल कंडीशन, इस 100 डायनासोर में से 20 डायनासोर जो पैदा हुए थे उनमें एक नया कैरेक्टर आया कि ये हीट को सह सकते थे और इनमें नहीं आया, तो जब वो मीट्रियोड हुए थे तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा होगा तो ये 20 क्या होंगे, बच जाएंगे। ये इनमें क्या आया, वेरिएशन आया, और ये वेरिएशन की वजह से इनमें क्या आ गए, न्यू कैरेक्टर। और अगर हर न्यू कैरेक्टर एनवायरमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, नेचर एक्सेप्ट नहीं करती, सिर्फ वही न्यू कैरेक्टर जिससे कि वो नेचर में सरवाइव कर पाए वही आपके लिए बेटर है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए पोलर रीजन है, चारों तरफ बर्फ 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 है, एक बेयर के 4 बच्चे हुए, 3 वाइट थे 1 ब्लैक था, कौन जल्दी पकड़ा जाएगा, या ये मान लो जो मान लीजिए कि ये ब्राउन था, हो जाएगा ओके। अब मैं कहता हूं ये पोलर रीजन नहीं है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जंगल है, यहां पे भी एक बेयर था, इसके 3 बच्चे ब्राउन थे और 1 था वाइट, या यूं कहो कि 3 वाइट थे और 1 ब्राउन था, कौन मरेगा। सेम वेरिएशन है, सेम नया कैरेक्टर है, बट एनवायरमेंट ने जिसको चुना वो अलग है। तो इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट। तो जो नेचर के साथ में चला जाए, नेचर के साथ में एडेप्ट हो जाए, वही आगे सर्वाइव करता है। तो ये वेरिएशन आए थे, इसमें न्यू कैरेक्टर आया, और इस न्यू कैरेक्टर से, न्यू कैरेक्टर क्या करते, इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म to survive better in adverse conditions of environment। इसीलिए variation जरूरी है। suppose कीजिए एक जंगल में, ये मान लीजिए एक wolf है जिसके 3 बच्चे जो हैं इनके छोटे दांत हैं और 1 बच्चा है जिसके बड़े दांत हैं, तो कौन आसानी से शिकार कर पाएगा, बड़े दांत वाला, ये मर जाएंगे। तो वेरिएशन मे बी यूजफुल और मे बी यूजलेस, हु विल डिसाइड इट, नेचर विल डिसाइड, सीधी सी बात है। अभी जैसे कि आप, आज का जमाना है कि भाई जो लंबे लड़के होंगे, गोरे लड़के होंगे, उनकी शादियां होंगी, और काले वाले कंवारे बचेंगे, ठीक है, तो ठीक है उनका अच्छा कैरेक्टर है, वो शादी कर लेंगे, आगे बच्चे पैदा करेंगे, आगे हो गए। सपोज करो चेंज हो जाए, अब लड़कियों को लंबे लड़के पसंद ही नहीं आ रहे, काले आ रहे पसंद, फिर तो गए ना वो। तो डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट।
तो वेरिएशंस आर बेनिफिशियल फॉर द स्पीशीज और द ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट इनेबल्स देम टू सर्वाइव बेटर इन द एडवर्स कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट. लिख लीजिए सब जो भी लिखना चाहे. अपेंडिक्स बेटा आप जो शायद कंफ्यूज कर रहे हो, तो अपेंडिक्स जो होता है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है. और अगर हाँ हाँ वो जो आप कह रहे हो वो लेमार्किज्म है. मैं वहां भी बात करूंगा, वहां बात करूंगा नेक्स्ट चैप्टर में. बट यहां पर हम बात करें अपेंडिक्स का कोई फायदा नहीं है ना. अभी सपोज करो मैं हूं और एक और है, मेरे अपेंडिक्स है थोड़ी सी बड़ी, इनकी छोटी है, तो उसका ना मुझे कोई फायदा मिल रहा है ना उसको कोई नुकसान हो रहा. तो वो कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो हमारे जिंदा और मरने को डिसाइड कर पाए. अभी जैसे कि ये मान लो कि गाय है, किसी जगह 100 गाय है, वहां पे 10 गाय ऐसी जिनकी गर्दन लंबी है. अब वहां मजा आ जाएगा, उनकी गर्दन लंबी है तो वो जमीन में भी खा लेंगी और पेड़ों पे से भी तोड़ के खा लेंगी. अब जिनकी गर्दन लंबी नहीं हो पेड़ों पे से खा नहीं पाएंगी. तो ये एक वेरिएशन है जो उनके लिए यूजफुल है. भाई एक माता पिता के 4 बच्चे हैं, एक का माइंड काफी शार्प है, तो ये भाई आगे जाकर के इसका करियर ब्राइट होगा, पैसे वाला होगा. और तीन का माइंड नहीं है, गधे हैं, घूमते रहते हैं, दिमाग नहीं है, तो इनका करियर अच्छा नहीं होगा. तो ये जो वेरिएशन आया माइंड शार्प वाला, ये इसके लिए फायदे में जाएगा. सो द वेरिएशन इज समथिंग विच सपोज टू बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनिज्म समहाउ, तो वो आपके लिए फायदा करेगा. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नए कैरेक्टर आते हैं, और नए कैरेक्टर आएंगे वो सेक्सुअल से ही आएंगे, असेक्सुअल से नहीं आएंगे. तो ऐसे मैंने एक आर्ट क्वेश्चन बना दिया था कि डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म क्रिएट्स वेरिएशन विच आर यूजफुल फॉर एंश्योरिंग. अब वेरिएशन आ गया, विच आर यूजफुल एंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउ फॉर ग्रेटर वेरिएशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज्यादा वेरिएशन आते हैं. ठीक है आगे. व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन. सिर्फ भाई हमें रीजनरेशन हो जाए, मैं उंगली काट दूं, बच्चा पैदा हो जाए, खत्म. तो हम लोगों में रीजनरेशन से बच्चे पैदा नहीं होते हैं मल्टी सेलुलर में. क्यों? क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है, वेल ऑर्गेनाइज बॉडी प्लान है. तो आंसर है सिंस कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव अ वेरी हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन देयर बॉडी, मतलब हर एक चीज स्पेसिफिकली है, देयरफॉर दे कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर कट बॉडी पार्ट. सिर्फ इतने से बॉडी पार्ट से लीवर किडनी हार्ट लंग्स मीडिया स्टाइनम ये सब नहीं बन सकता. तो वाली बात है. अगला है व्हाट इज डीएनए कॉपिंग. ये क्वेश्चन है कि डीएनए कॉपिंग का क्या मतलब है और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब इस बात को समझिए क्यों इंपॉर्टेंट है डीएनए का कॉपी होना. देखो डीएनए जो होता है ये डिसाइड करता है कि प्रोटीन कौन सा बनेगा. हमारे अंदर बॉडी में 70 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं. ठीक है, तो ये डिसाइड करता है कौन सा प्रोटीन बनेगा. अब प्रोटीन से बनता है हार्मोन. ये हार्मोन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है. सपोज करो इस हार्मोन की वजह से ए जो है वो बी में चेंज होता है और आपके पास रेड कलर आता है फ्लावर का. अगर डीएनए कॉपी नहीं हुआ और डीएनए चेंज हो गया, प्रोटीन चेंज हो जाएगा, हार्मोन नहीं बनेगा और रेड कलर नहीं आएगा, कैरेक्टर चेंज हो जाएगा. या हार्मोन क्या डिसाइड करता है कैरेक्टर. अगर आप चाहते हैं कि ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन ही पैदा हो तो उसमें वही हार्मोन बनने चाहिए जो उसके पेरेंट्स में बन रहे थे, और वो हार्मोन बनाने के लिए उसको वही प्रोटीन चाहिए जो पेरेंट्स में था, इसलिए वही डीएनए चाहिए होगा जो पेरेंट्स में. ठीक है, तो एक बार मैं पढ़ देता हूं. सेल्स
यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए, दिस क्रिएट्स टू कॉपीज ऑफ डीएनए इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल। अगर आप माइटोसिस की भी बात करते हो या मियोसिस की भी बात करते हो तो आपको पता है कि डीएनए कॉपी होकर के दो सेल्स में आता है, इसमें भी आता है सेग्रीगेशन के बाद में। तो ओवरऑल यही है कि डीएनए की कॉपी होती है, दो कॉपी बनती है, दोनों सेल्स में आगे की तरफ प्रोसीड कर जाती है, ठीक है, विच इज पास टू द न्यू डॉटर सेल्स। इफ द डीएनए इन डॉटर सेल्स चेंज्ड, डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड विच लीड टू द ऑल्टर्ड बॉडी डिजाइन। हार्मोन चेंज होगा तो कैरेक्टर चेंज हो गया, तो उससे ऑल्टर बॉडी डिजाइन पैदा हो जाएगा। हो सकता है कि हमारे दो हाथ हो, डीएनए चेंज हुआ तो पांच हाथ आ गए, हाइड्रा बन गया वो, व्हाटएवर। तो डीएनए चेंज हो जाएगा, प्रोटीन चेंज हो जाएगा, जिससे कैरेक्टर चेंज हो सकते हैं, इसीलिए सेम डीएनए का आना लाजमी है। चलिए, अच्छा इसके फायदे क्या है, ओके। दूसरा कहता है डीएनए कॉपिंग प्रोवाइड सेलुलर एपरेटस। अब जो नया ऑर्गेनिज्म बना है उसके अंदर भी सेल होगी, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, गोल्जी बॉडी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइजोबोम, क्या था वो, राइबोसोम्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब डीएनए ही आपके पास इस सारे एपरेटस को बनाता है। अगर डीएनए चेंज होगा तो ये एपरेटस भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको याद है ह्यूमन सेल अलग होती है, प्लांट सेल अलग होती है, ठीक है। तो वाली बात हो गई। तो तीसरी बात यह है कि हाँ, डीएनए कॉपी विल रिटेन द ट्रेट्स इन डॉटर सेल्स। अगर डीएनए सेम आया तो सेम कैरेक्टर आएंगे, तो सेम ट्रेट भी आएगा, ट्रेट मतलब कैरेक्टर। और चौथी बात यह है, द कॉपी ऑफ डीएनए इन अ डॉटर सेल्स कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ डॉटर सेल्स। तो यही डीएनए जो है इस सेल के फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। तो ये चार पांच चीजें हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है, जिनको मैंने अलग अलग जगह से उठा करके एक क्वेश्चन को बना दिया है, ठीक है। तो इसलिए डीएनए कॉपी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है रिप्रोडक्शन के लिए, चाहे वो माइटोसिस से हो, चाहे वो मियोसिस से हो, आई मीन एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल। ओके, अगला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जर्म सेल। ये जर्म सेल वही है जिसको हम क्या कह रहे थे अभी तक, गैमेट। आपको याद होगा कि गैमेट कैसे बनता है, मियोसिस से। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ये कैसे हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, है ना। तो अगर इसमें 2n है तो इसमें क्या हो गया, n। अच्छा, मेरी बाकी की बॉडीज में जो सेल्स है उसमें तो समय 2n ही होगा, उनकी तुलना में जर्म सेल में कितने क्रोमोसोम्स है, हाफ डीएनए होगा, क्लियर। एक तो ये बात। दूसरा, जर्म सेल दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है मेल जर्म सेल और एक हो सकती है फीमेल। मेल जर्म सेल जनरली जो होती है मोबाइल होती है, यानी कि मूव कर सकती है, मोटाइल होती है, जबकि फीमेल जर्म सेल्स जो होती है ये जनरली फूड स्टोरिंग बॉडी होती है। इसीलिए मेल जर्म सेल जो होती है वो फीमेल जर्म सेल की तरफ मूव करके जाती है, क्योंकि उसके पास क्या है, फूड है। चाहे आप ब्रायोफाइटा की बात कर लो, चाहे टेरिडोफाइटा की बात कर लो, तो जनरली स्पर्म्स भी हैं वो ओवम की तरफ जाते हैं, क्योंकि ओवम में न्यूट्रिशन होता है। तो ये होता है जनरली। तो एक बार पढ़ देता हूं मैं जर्म सेल में, जर्म सेल्स आर बेसिक स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्या है ये, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, बेसिक स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स, ऐसी सेल्स जिनके पास डीएनए बाकी की सेल से क्या है, आधा है, ठीक है। हैविंग हाफ डीएनए एज कंपेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स। नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन सी, ये हमारी पूरी बॉडी में जो भी होती है सारी नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, ठीक है, ओके। और टू जर्म सेल्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू ऑफस्प्रिंग, ये भी बताइए आपको। और कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल्स कॉल्ड द मेल गैमेट। चलिए, तो कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल्स कॉल्ड द मेल गैमेट एंड जर्म सेल्स कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड द फीमेल गैमेट। चलिए, इतना भी हो गया। और कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या फायदे हैं। पहला है इट प्रमोट्स डाइवर्सिटीज, क्योंकि वेरिएशन आते हैं इसमें, ओके, हाँ। दूसरा, दिस इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। जब नए कैरेक्टर आएंगे तो वो भी आगे से नए कैरेक्टर और डेवलप करेंगे, तो कैरेक्टर चेंज होते जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओरिजिन ऑफ
न्यू स्पीशीज, जब इसमें कोई नया कैरेक्टर आया फिर इसके बच्चों में और नया और नया और नया, ऐसे करोड़ों सालों बाद उसमें इतने नए कैरेक्टर आ जाएंगे कि वो नई स्पीशीज की तरह बिहेव करने लग जाएगा रेदर देन पुरानी के। तो ये भी फायदा होता है, ठीक है। और इसी वेरिएशन से इवोल्यूशन आते हैं, नए नए कैरेक्टर आते जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल कौन होते हैं और बाइसेक्सुअल कौन होते हैं? आप लोग यूनिसेक्सुअल हो बाइसेक्सुअल हो? यूनिसेक्सुअल है ना, मेल अलग है फीमेल अलग है, और बाइसेक्सुअल में दोनों एक ही जगह होते हैं। तो इफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, मेल अलग फीमेल अलग, तो वो क्या है? यूनिसेक्सुअल, जैसे हम लोग हैं। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल, ठीक है। और अगर ये दोनों एक ही में आ गए तो वो बाइसेक्सुअल है, जैसे एस्केरिस, टैपवर्म, कॉकरोच, इन सब में। फिर कॉकरोच में भी अलग अलग होते हैं वैसे तो इसमें एग्जांपल है, बाइसेक्सुअल के एग्जांपल है कैप्सुला, हिबिस्कस, मस्टर्ड, टैपवर्म, अर्थवर्म, स्टारफिश, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल। अब हम लोगों में आप कितने भी एग्जांपल दे सकते हो, जबकि प्लांट में पपाया, वाटरमेलन, मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमेलियन, सब यूनिसेक्सुअल है। मेंशन द रिप्रो। अब हम आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन से निकल करके फ्लावर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। लिखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए, और वो होता है फ्लावर। रूट नहीं होता, स्टेम नहीं होता, और लीव्स भी नहीं होती, वो सब वेजिटेटिव पार्ट है। फ्लावर में क्या होता है देख लीजिए, ये जो पार्ट होता है इसका, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, और ये जो फूला हुआ पार्ट है ये है ओवरी। ये वाला जो पार्ट होता है एंथर, और ये होता है फिलामेंट, और इन दोनों को बोल मिलाकर के बोलते हैं स्टामेन। और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन के अंदर वन एक मेल गैमेट होता है, और इसी को हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आइए, ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स, सेपल नहीं, पेटल, और ये होता है सेपल। क्या हो गया? स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन्स। और ये लास्ट वाला होता है थैलेमस। डबल लिख दे, मेरे घर से क्या जा रहा है। आइए, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है वो देख लीजिए आप। इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर, जल्दी लिखो यार, जब बाकी का थोड़ा और उधर खिसक जाओ ना, इसको चेयर को उधर खिसका लो, पूरा बेंच। क्या फायदा मिला इतने समय? एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में यहां पर तीन सेल्स होती हैं, यहां पर भी तीन होती हैं, और यहां पर होती है एक। टोटल मिला करके एम्ब्रियो सैक में कितनी सेल होती हैं? सेवन सेल। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं।
इसमें एक न्यूक्लियस, इसमें एक, इसमें एक, और इसमें दो न्यूक्लियस, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, टोटल मिलाकर के 8 न्यूक्लिएटेड। इनमें से ये वाली जो सेल होती है ये होती है हमारे पास एग सेल, ये होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई या एंटीपोडल सेल्स। और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक एग सेल होती है, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस होती है। अब इसमें और भी चीजें जैसे ये चलाजा बोलते हैं इसको, इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, बट उतना हमें घुसना नहीं है फोकट में। ओवरी के अंदर एग सेल होती है, इसीलिए ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब मुझे बताइए फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल हुआ या बाइसेक्सुअल हुआ? बाइसेक्सुअल, इसमें दोनों ऑर्गन है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये पोलन ग्रेन्स यहां से निकल करके, पोलन ग्रेन के अंदर क्या है? मेल गेमिट, ये रहा आपका हीरो, ये है और हीरोइन यहां है, देखो ये दूरियां। तो ये जो हमारा हीरो है, अब ये इस हीरोइन के पास पहुंचे। अच्छा, इस हीरो का हीरोइन से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। तो ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स कहां पहुंचते हैं? स्टिग्मा पर। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अच्छा, ये स्टिग्मा भी ऐसा होना चाहिए जहां पर ये पोलन ग्रेन एक्सेप्ट हो पाए। ऐसा नहीं कि तुम्हारे सर पे आगे बैठ गए, या यू कहो कि रोज का पोलन ग्रेन है वो जाकर के कमल पे चला गया, तो वो पोलन पॉलिनेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि वहां पर वाला स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। पहली चीज, तो इस पोलन ग्रेन का स्टिग्मा में पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। ये पॉलिनेशन भी दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्स, एक होता है क्रॉस। ध्यान से देखना, सपोज कीजिए ये कोई प्लांट है, इस पे ये फ्लावर है। डायग्राम से समझाऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं मैं, ये लिखा हुआ मिल जाएगा आपके पास। इसका पोलन ग्रेन इसी के पास आ जाए या इसी के दूसरे फ्लावर के पास चला जाए, इसमें चला जाए, तो ये कहलाएगा हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन। उसी का पोलन ग्रेन निकल करके उसी के स्टिग्मा पे चले जाए या उसी प्लांट के दूसरे वाले पे चला जाए, दूसरे फ्लावर उसी प्लांट के, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट चेंज हो जाता है। यहां से निकल करके दूसरे में चला जाए, ये कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। बना लो जल्दी जल्दी। हाँ, ये रोज है तो ये भी रोज होना चाहिए, सेम स्पीशीज वाला होगा। जरूरी भी नहीं, डिपेंड करता है कि ये यही है तो यही कहीं कूद जाएगा, अदरवाइज हवा है, गाय भैंस घोड़ा गधा ऊंट बकरी बैल जानवर किसी से भी निकल जाएगा, साथ में पानी में बहता हुआ निकल जाएगा, धूल की आंधियों, बहुत सारे बनते हैं पोलन ग्रेन्स। तो ये तो हो गया, इसका इसी में आ जाए तो सेम फ्लावर, मतलब मैं इसमें लिख देता हूं, या तो सेम फ्लावर आए या जेनेटिकली सेम हो। जेनेटिकली सेम कौन होगा? उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर। और इसमें दूसरे प्लांट के फ्लावर पे चला जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन सेम फ्लावर पे चला जाएगा या जेनेटिकली सेम, यानी कि उसी प्लांट का। अगर दूसरा प्लांट चेंज हो गया तो ये हो जाएगा आपके पास क्रॉस पॉलिनेशन। चलो, जो भी है,
ये हमारा हीरो जैसे तैसे कई सारे हीरो यहाँ, एक हीरो और कई सारे आ गए। ये नेचर ही है जो मेल गैमेट को फीमेल के चारों ओर घुमाती है, वरना एक के चक्कर में इतने क्यों बर्बाद होते बताओ। ये ऐसा नहीं कि ह्यूमन के साथ हो रहा है, ठीक है। अब ये सब के सब कंपटीशन करते हैं, यही काम है लड़कों का, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, एक्सेप्ट करे ना करे, हाय हेलो सेक्सी हॉटी डू यू नो मी, इस तरह से सब अपने अपने ट्राई करते रहते हैं। इनमें से सिर्फ एक जिसमें दम है, जिसके बाजुओं में जोर ज्यादा है, वही अपनी पोलन ग्रेन को आगे तक बढ़ा, पोलन ट्यूब को आगे तक बढ़ा पाता है, बाकी सब यहीं पर दम तोड़ देते हैं। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, चलिए आइए। तो एक पोल, अच्छा बताइए इस पोलन ग्रेन में कितने मेल गैमेट है? एक, अभी तक एक है, तो एक ही मेल गैमेट है। ये पोलन ट्यूब आगे की तरफ कैरी करती है, ठीक है। इन सेल्स को मैं एक्स वाई कह देता हूं, साइड वाली को। ये हीरोइन, ये हीरोइन की दो सहेलियां, ठीक है। तो ये आपके पास एक पोलन ग्रेन अपनी पोलन ट्यूब को आगे बढ़ाता है इस तरह से, इस तरह से। चल रहा है अभी, आवाज आवाज आ रही है। अब इसके अंदर से एक मेल गैमेट निकल करके आ जाएगा, बट जनरली क्या होता है, काम चलता नहीं अकेले से, तो हर एक लड़का, हर एक हीरो अपने एक दोस्त के साथ जाता है, किसको एक दोस्त की जरूरत है। तो ये यहां पे करता है माइटोसिस। कौन सा माइटोसिस? क्योंकि गैमेट बन चुका है, अब नया गैमेट नहीं बनाना, इसको अपना ही एक दोस्त चाहिए। तो यहां पर माइटोसिस होगा और इससे दो गैमेट बन जाएंगे। अब कितने मेल गैमेट हो गए? दो। इससे बन जाएंगे दो मेल गैमेट। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पोलन ग्रेन्स जब निकलता है तो कितने मेल गैमेट होते हैं? एक। जब पोलन ट्यूब के अंदर कितने होते हैं? दो। किससे बनते हैं? माइटोसिस। अब ये दोनों दोस्त कॉन्फिडेंस में आगे जाते हैं। अच्छा, दोस्त इसलिए कि हीरो तो हीरोइन को पकड़ लेगा, ये दोस्त उसकी सहेलियों को संभालेगा। तेरे फंडे ज्यादा क्लियर है, चल रहा है देखना। तो ये यहां से आगे निकलता है। अच्छा, ये सहेलियां क्या करती हैं? यहां से ये सहेलियां हो जाती हैं फ्यूज, फ्यूज हो जाती हैं। तो यहां पे केमिकल बनाती है जिसको हम बोलते हैं मैलिक एसिड। हाँ, उस केमिकल यानी कि बालों में शैंपू लगाया हुआ है, परफ्यूम लगाया हुआ है, तो ये दोनों लड़के उसी शैंपू की तरफ आकर्षित होते हैं। इसको बोलते हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में खूब पढ़ा था। तो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट की वजह से ये अपनी बाइक लेके अंदर घुस जाते हैं, इनको जहां से भी खुशबू आ रही होती घुस जाते हैं। और यहां पर आ गए हमारे दोनों हीरो, आ गए। अब देखिए क्या करता है, इसके अंदर होती है, ये हमारे पास जो एक मेल गैमेट है, ये दूसरे फीमेल गैमेट को पकड़ता है, हीरो हीरोइन। अच्छा, ये अगर एग बना है, ये बना, ये सब मियोसिस से बने होंगे, दोनों ही कैसे होंगे? हैप्लोइड होंगे, दोनों के पास हाफ डीएनए होगा, दोनों मिल करके 2N बन जाते हैं। तू मुझ में, मैं तुझ में, पिया आ समा जाए लगा ले जिया। तो ये हो गए 2N, और ये जिया 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 हो जिया है, जिया है, पता नहीं, चल आ जाओ कहानी, कहानी में विघ्न नहीं डालते हैं, पूरी होनी चाहिए। और ये कहलाता है हमारे पास जाइगोट, बच्चा पैदा हो गया, जेडी तो है। अब ये जाइगोट में फर्दर डिवीजन होते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाता है? एम्ब्रियो में। उसका दोस्त, दोस्त का फालतू गया? नहीं, एक ने तो इस एक्सेल को पकड़ा, दूसरे ने इसकी सहेली को पकड़ा। तो ये जो दूसरा मेल गैमेट है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस को पकड़ता है। अच्छा, इस सेकेंडरी न्यूक्लियस को हम लिखते हैं एन प्लस एन, क्योंकि ये दोनों गैमेट, जो दोनों जो
ये क्या बोलते हैं सेल जो न्यूक्लियस है दोनों फ्यूज नहीं हुए, तो इसका दोस्त इसकी सहेली को पकड़ता है और यहां पर बन जाते हैं दोनों मिलकर के तीन, तो ये हो जाता है 3N। इसको बोलते हैं हम एंडोस्पर्म। तो नहीं पोलर न्यूक्लियस नहीं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसको पोलर न्यूक्लियस भी कहते हैं क्या? चलो देख लेंगे बाद में देख लेंगे। तो एक बार ये फर्टिलाइजेशन, एक बार ये फर्टिलाइजेशन, तो दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। क्योंकि इस फर्टिलाइजेशन से जायगोट बना है इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी। और ये सिर्फ तीन न्यूक्लियस मिक्स हुए हैं इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन? मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करके जायगोट बनाता है जिसको हम सिनगेमी कहते हैं। एक और मेल गैमेट होता है जो सेकेंडरी न्यूक्लियस, एक बार देना पोलर न्यूक्लियस तो नाम ही इसका, सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलकर के एंडोस्पर्म बनाता है जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। अब ये एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो किसके अंदर है? एम्ब्रियो सेक के अंदर। अब ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स झड़ जाएगी, ये सब सूख करके टूट जाएगा इस तरह से, और ये बन जाएगा हमारे पास फ्रूट। ये बन गया फ्रूट, और अंदर का ये जो सब की सब खत्म हो जाती हैं, अंदर सिर्फ क्या बचता है वो देख लीजिए, ये जायगोट। इस जायगोट को सपोर्ट करने के लिए एंडोस्पर्म भी होता है, ये रहा एंडोस्पर्म, ये है एम्ब्रियो और ये है एंडोस्पर्म, और ये आपके पास आगे जाकर के क्या बना लेता है सीड, और ये आपके पास ओवरी वाला पार्ट है जो आपके पास क्या बनाता है फ्रूट। अब ये एम्ब्रियो धीरे धीरे बड़ा होता है, बट इसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलती है इसको? एंडोस्पर्म से। धीरे धीरे ये एंडोस्पर्म को खत्म कर देता है और ये आपके पास सीड में चेंज हो जाता है। फिर ये सीड जाता है आपके पास, फ्रूट रूट खा लेते हो आप, सीड बच जाता है, जमीन में उगा देते हो, वहां मिलता है, फिर वहां से फिर ये बढ़ना शुरू करता है। सो दिस इज ऑल कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बना लीजिए चेंज होता है फ्रूट में, बाद में पक जाता है। तो मैं कुछ चीजें पढ़ता जाता हूं। पहला, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स इन प्लांट। पहला सिनगेमी, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज सिनगेमी एंड इट्स प्रोडक्ट इज जायगोट। चलो आगे है ट्रिपल फ्यूजन, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड टू पोलर न्यूक्लियाई। तो इनको हम पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। तूने नोट्स में पढ़ा था साले, एनसीईआरटी। तो टू पोलर न्यूक्लियाई से मिलता है, यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है, ठीक है। तो क्या बनाता है? एंडोस्पर्म बनाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। एंड डबल फर्टिलाइजेशन इन दोनों को मिला करके कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, ये इस बार के सैंपल पेपर में भी दिया था। तो द फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जायगोट, ये वाला डिवाइड्स सेवरल टाइम एंड फॉर्म्स एम्ब्रियो। तो डिवाइड होकर के क्या, अच्छा बताओ कौन सा डिवीजन होता होगा जायगोट से एम्ब्रियो बनने में? माइटोसिस। अब मियोसिस तो हो गया ना एक बार, अब पूरी जिंदगी माइटोसिस चलेगा इसकी जिंदगी में, ठीक है। एंड विद इन द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर द ओव्यूल डेवलप्स इन टफ कोट, और अंदर वाला जो ओव्यूल है ये टफ कोट कर लेगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? सीड में। चलिए, कोट अराउंड इट एंड इट कन्वर्ट इन टू सीड। द ओवरी ऑफ द फ्लावर, ये जो ओवरी होती है ये पक जाएगी, बाद में किसमें चेंज हो जाएगी?
फ्रूट्स में चेंज हो जाएगी, बस खत्म। द अदर पार्ट, बाकी के जो पार्ट होते हैं वो सब इसके सूख करके झड़ जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बार फिर कह दूं, हमें इसकी एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके नोट्स बनाने हैं। मैंने अपने नोट्स इसीलिए अभी तक नहीं भेजे हैं ताकि मैं चाहता हूं कि आप एक बार अपनी तरफ से अपने नोट्स बना लो, उसके बाद मैं भेज दूंगा। मैं अभी भेज दूंगा तो फिर आप दिक्कत कर जाओगे। बायोलॉजी के हर चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़नी है, अच्छे से लाइन टू लाइन समझना है, और कोई चीज समझ में नहीं आए उसको डाउट में दे देना है। बट नोट्स बनाने आप सभी के लिए अनिवार्य है अगर आप वही सपना देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूं आपके लिए, ठीक है। चलिए तो आज क्लास जल्दी छोड़ देते हैं क्योंकि मेल वाला अलग से शुरू करेंगे, ह्यूमन वाला, ठीक है। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।